हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ सम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेवन्थ क्लास का जो टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड दो सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास जो फॉर्मूला है, दैट इज बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों सेम ही है, लिखने में से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बुक्स में ऐसे लिखा आपको मिलेगा। तो अभी हमने जो एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है बेस और हाइट, वो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1/2 इंटू बेस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अभी हमने देखना है कि क्या कोई नंबर कैंसिल हो रहा है। 2 1 2 2 2 4 एंड 3 2 6, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ गए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका हमें बेस एंड हाइट गिवन था। और हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब आप एरिया लिख रहे हो तो उसके यूनिट्स आपको स्क्वायर्स में लिखने हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ हमें एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 18 मीटर स्क्वायर एंड बेस इज 6 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में बेस हमें गिवन है, हमें हाइट निकालनी है। तो हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, पहले तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 18 मीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस हमें ऑलरेडी गिवन है 6 मीटर, तो हम 6 वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट को हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो भी हमने चीज़ वेरिएबल हमने निकालनी होती है वो हम एक साइड पर रखते हैं, और इक्वल्स टू के जो राइट साइड पे जो भी होता है, हम डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है। अब हम 18 मीटर स्क्वायर, अगर हमने 2 को इस साइड लेके आना है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड हम लेके जाएंगे, तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होगी वो कहाँ पर आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाइट 1 मीटर के साथ 1 मीटर। आपने यूनिट्स का भी पूरा ध्यान रखना है कि यूनिट आपके क्या होने चाहिए, आप मेजर। उसके बाद हम कैंसिल करवाएंगे, 2 1 2 2 3 6, 18 मीटर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू हाइट। तो हमारे पास क्या आ गया, इसको भी हमने कैंसिल करवा दिया, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, 6 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।